आना चाहिए। अरे ये 2.5 लाख ये 10 लाख रुपए का ये मकान है, जगह भी खरीदा हम लोगों ने, जगह लेके 10 लाख रुपए पूरा खर्चा हो गया, अब कहाँ जाएंगे। An exodus of people was undergoing as the wire reached Tughlakabad on the noon of 30th April 2023. We could see people carrying their valuable goods and taking them to a safe spot as the Archaeological Survey of India conducted a massive demolition drive on close to 1,000 houses in one of New Delhi's marginalized area, Tughlakabad. ये सामान क्यों लेके जा रहे हैं बता सकते हैं? हाँ, घटपुर। आपका नाम क्या है? अशोक दास। अशोक दास, कितना साल से आप यहाँ पे रहते थे? 5 साल से। और अभी क्या बोला गया आपको? बोला टूटेगा। अभी आप सामान लेके जा रहे हो ताकि सामान बच जाए। हाँ। अभी कहाँ जाओगे, कुछ इरादा? हाँ? सरकार ने कुछ व्यवस्था की है? नहीं। टेंट वगैरह कुछ दिया? नहीं। ठीक है। She complains as police authorities get ready to demolish her house where she has been living since the past 30 or so years. तीन लड़की है, इसका पैरालिसिस हुआ 4 महीना हुआ, जब इससे पहले मिलिट्री वाले आए थे 13 तारीख को, 16 तारीख को पैरालिसिस हुआ, ब्रेन स्ट्रोक हो गया, 4 महीने से मैं सफदरजंग चक्कर काट रही हूं, अब मैं ये पेशेंट लेके कहां जाऊं, तीन लड़की लेके कहां जाऊं, जवान लड़की। She reasons with me, saying if the houses were illegal, then why the government authorities provided legal documents based on their present address. She is among the 2.5 lakh estimate residents who have become homeless after the tsunami of bulldozers demolished nearly 1,000 homes of Tughlakabad. आपका नाम क्या है? शेषपाल। आप कितने साल से यहाँ पे? मैं रह रहे 20 साल से हो गया, 2000 से, 2001 जब ये टूटा था जब से हम यहाँ पे रह रहे थे, अब हम यहाँ आ गए, किसी ने सरकार ने पैसा लिया, सब कुछ लिया। पैसा मतलब किस किस ने लिया आप बताएं? पुलिस वालों ने लिया, हमने जमीन खरीदी, पुलिस वालों ने 1 लाख रुपए लिया, इसका बनवाई खाली, मटेरियल का अलग गया, हमारा सब कुछ गया। The ex-residents claim that they purchased these houses by giving money to the police, ASI and the fort authorities. Many could show their bills and documentation that proved that they stayed at the same address for 20 to 30 years. सब तीन के झाड़ू पोछा कर के घर बनाए, बताइए, 1-1 रुपया करके किला वाला पैसा खाए, पुलिस वाला खाए, बगल में पुलिस चौकी थी, सारे ने बनाने के समय पैसे लिए घर पर आ करके, आज हमारा घर उजड़ रहा है तो कोई नहीं है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं है, सिर्फ कार्रवाई गरीबों के लिए है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम रीना है। कितने सालों से है आप यहाँ पर? हम 7 साल से रह रहे हैं। 7 साल से। और आपने कितने कितने लोगों को पैसा दिया है यहाँ पर? जमीन वाले को पैसे दिए, किला वाला को पैसे दिए, पुलिस चौकी वाला पैसे आकर के, टैक्सी से आते किससे आते वो वाला पैसे ले जाते थे। A notice was served to almost approximately 1,000 families comprising of 2.5 lakh residents of the Tughlakabad fort area of Delhi. It had asked the residents to vacate. In 2016, the Supreme Court directed the ASI to stop land grabbing and encroachment. It's been 6 years since the order was in place, but the residents of Tughlakabad alleged that January 11, 2023 was the first time when they heard from the ASI. The High Court in February this year had asked the ASI to carry out removal of unauthorized construction as also the encroachers from the public land as per the Supreme Court order of 2016.
The High Court at the same time noted that ASI must provide for rehabilitation of people living in the Tughlakabad area. However, no alternate space for living was provided. मैंने होम क्रेडिट वाले से लोन लिया, अभी भी मैं लोन भर रही हूँ। आपने लोन लेके ये घर बनाया? जी। कहाँ पर है आपका घर? ये है मेरे सामने ही है। मैंने अभी भी लोन भर रही हूँ। मेरे पास इस महीने किस्त नहीं दी हुई, दिक्कत आ रहा है। हर बार फोन आ रहा, कम से कम मेरे पास 50 फोन आ गया किस्त के लिए। पुलिस चौकी था ना, उससे पर कुछ जांच करो। जब वो यहाँ ड्यूटी करता था तो उसे नहीं इन्फॉर्मेशन दे सकता था। ऊपर तक किया जमीन का घर बन रहा है। एक छोटे लड़की लेके कहाँ जाएगी? इतने छोटे छोटे बच्चे लेके हम कहाँ जाएंगे? ब्रूट मंगवाली है बेचारी। कहीं भी किसी ने इंतजाम बना कर रखा है अपने बच्चों के लिए? नहीं है, किसी ने नहीं लिया। अचानक बेचारे परेशान, अचानक जब कोई मामला होता है तो कहीं कुछ नहीं करता था, वो हाथ पर कट जाते हैं सर। आपका नाम क्या है? हमारा नाम सर रियान अहमद खान। कितने सालों से आप यहाँ पर? हमें हो गया लमसम यहाँ पे 18 साल, पर यहाँ पे जो हमने बनाया है इसमें हमें हो गया है करीब 4 साल। अच्छा, 4 साल से यही एक हमारा कमरा है, झोपड़ी जो भी है। बीजेपी अच्छा है तो झाड़ू अच्छा है तो ये अच्छा है, कौन अच्छा है? कौन आया? कोई आया? बचाना चाहता ना, एक घर नहीं टूटता। आज अगर नेता बचाना चाहते तो भैया आज हमारे लिए भगवान ने कहेगा मेरा पैर धो तो उसका पैर धोऊंगा। Tughlakabad is present in one of the remote areas of New Delhi. Many people started living here since independence. Most people residing in this area come from financially marginalized communities and work as domestic helps in privileged households of the city. The visuals at Tughlakabad on 30th April were horrific as people carried their TVs and refrigerators with whatever they got. आपका नाम क्या है भैया? अभिमन्यु। आप कितने साल के हैं? 39। कितने साल से यहाँ पर है? 21। क्या है अभी बताइए हालात? अभी आपके हालात तो आपको दिख ही रहे हैं। ठेकेदार लोगों ने पैसे लिए, पुलिस वाले ने पैसे लिए, किले आर्कोलॉजी वाले ने पैसे लिए, आज तोड़ा जा रहा है। ना हमें मुआवजा मिल रहा है ना कुछ। ये देख लीजिए सामने, बहुत लोग रोड पे बाहर हैं, आप देख ही रहे हैं। सारा सामान आप दिखाइए। तो अभी आपका सामान आपने पहुंचा दिया? नहीं, ऐसे बाहर फील्ड में पड़ा हुआ है। कितने लोग हैं आपके परिवार में? 4 लोग। कमाने वाले? अकेला। The Supreme Court, while hearing the petition by the Jhuggi dwellers, declined to stay the demolition and agreed to hear the matter for the